लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मकान में महिला का शव पड़ा होने की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी थाना पुलिस। जी हां, थाना रामगढ़ क्षेत्र नई आबादी शांति नगर रायपुरा की है घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है जिला अस्पताल। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ क्षेत्र नई आबादी शांति नगर रायपुरा स्थित एक मकान में 36 वर्षीय योजना मिश्रा पत्नी नीरज मिश्रा का शव पड़ा होने की जानकारी पर थाना पुलिस सहित एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच गए। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं बताया गया महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। इस बारे में एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टता घरेलू मामला लगता है और आंतरिक मामला भी लगता है। किसी ठोस चीज से प्रहार किया जाना प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, बाकी अभी पूछताछ चल रही है। जो भी सामने आएगा जल्द खुलासा किया जाएगा। महिला मूल रूप से सावर गेट मोहल्ला जयराम कासगंज निवासी बताई गई है। यहां अपने पति के साथ वह रह रही थी। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्षेत्र में अभी एक महिला का शव मिला है मकान में। क्या मामला है, किस तरीके से? थाना रामगढ़ में ये अभी मौका मुआयना किया है मैंने, तो ये प्रथम दृष्टया एक महिला का शव मिला है। महिला के शव की चोटों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद और आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद प्रथम दृष्टया ये घरेलू मामला लगता है, आंतरिक मामला लगता है। फिर भी समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है और पील यूनिट यहाँ आ गई है। हम लोग साक्ष्य संकलन करके शीघ्र ही घटना का खुलासा करके और कार्रवाई कैसे की गई है अभी बहुत जल्दी है कुछ कहना। किसी ठोस चीज़ों से बाहर किया गया है और प्रथम दृष्टया ये आंतरिक मामला ही लगता है, घरेलू मामला लगता है। शीघ्र इसका खुलासा किया जाए। सर, किसी को गिरफ्तार किया गया? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, पूछताछ के लिए किसी को रखा गया है, डिटेन किया गया है, उसके बाद ही आवश्यक विधि कार्रवाई की जा पाएगी।